सर पेपर जो लीक हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस की तरफ से? सरकार बड़े लंबे चौड़े दावे करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, नौकरी में पर्ची और खर्ची बंद कर देंगे, परंतु जब से ये सरकार आई है यहाँ के युवा दर दर भटक रहे हैं। पेपर की बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, माँ बाप को साथ लेके पेपर देने के लिए आते हैं, और ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना होता हो। ये पेपर माफिया, वो जैसे हरियाणा में भू माफिया पहले पैदा हुए, अब भू माफिया तो धड़ेले से काम कर रहे हैं, पेपर माफिया और पैदा हो गया। किस प्रकार बच्चों का भविष्य अंधकार में करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह सेंटर बनाए, अगर हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी लगभग 30,000 से ऊपर बच्चे आए, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है। तो किस प्रकार बच्चों का भविष्य इन लोगों ने अंधकार में कर दिया। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार का इंतजाम करे कि जो लोग इसमें शामिल है उनको तो सजा मिले मिले, और जो बच्चे खर्चा करके आए थे उनको खर्चा दोबारा ना हो, उनको खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाए। सर सरकार कहती है करोड़ों रुपए का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पास कमी सेटअप है और नकल भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कहीं ना कहीं, इससे पहले ग्राम सचिव का सरकार में जुड़े लोग, सत्ता में जुड़े लोग, ये भू माफिया पैदा हो गया जो पेपर लीक होता है, आंसर सीट पहले पहुंच जाती है, इसका मतलब क्या है? कौन लोग है ये? सरकार में जुड़े लोग हैं, इनके लोग गाँव गाँव में पूछते फिरते हैं, ले आओ हमारे को पैसे दो, हम आपको पेपर बच्चे का पेपर पास करा देंगे। तो इस प्रकार पूरी तरह से आज भ्रष्टाचार लिप्त सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। कल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से तीनों काले कानून जबरदस्ती किसान के ऊपर लादे गए और किसान 8 महीने से ऊपर संघर्ष कर रहा है, उनके खिलाफ पहले भी कांग्रेस पार्टी में समय समय पर आंदोलन किया, उन आंदोलन को सरकार तुरंत रद्द करे, महंगाई पे रोक लगाए, और जिस प्रकार से नेताओं की, जिस प्रकार से जजेस की, जिस प्रकार से पत्रकारों के फोन टेप किए जाए, किस प्रकार से प्रजातंत्र का मर्डर हो रहा है। तो 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कल कांग्रेस पार्टी आह्वान करेगी कि ऐसी सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, ऐसी सरकार जो प्रजातंत्र का कत्ल करने पे टूटी हुई है, ऐसी सरकार जो किसान जो अन्नदाता होता है उसकी बात नहीं सुन रही, महंगाई पे रोक नहीं लगा रही, ऐसी सरकार को गद्दी छोड़नी चाहिए। विधानसभा का सत्र सरकार कह रही है शुरू होगा 20 तारीख के बाद, उन मुद्दों को खाली औपचारिकताएं पूरी करते हैं विधानसभा के अंदर। विधानसभा का सत्र बुलाना 6 महीने के अंदर जरूरी होता है, इसलिए मैं देख रहा था कि 2 दिन का सत्र होगा, तो इस प्रकार खाली औपचारिकताएं पूरी करते हैं। विधानसभा का सत्र में कांग्रेस पार्टी जो भी किसान से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पूरे जोर शोर से उठाएंगे। 2 खिलाड़ियों ने कल देश का नाम रोशन किया है, बजरंग पुनिया, बहुत 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 बधाई देता हूं मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को, देश के खिलाड़ियों को, और जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने और कल हमारे बजरंग पूनिया ने जिस प्रकार से पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया, उनको बहुत बहुत बधाई। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हार्दिक तो होती रहती है, जो खिलाड़ी पदक से चूके भी हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं कि वो आगे और बढ़े। तो अगर आप प्रोत्साहित करोगे, खिलाड़ियों को अच्छे इनाम दोगे, खिलाड़ियों को आगे अच्छी नौकरी दोगे, तो इससे जो आने वाले बच्चे हैं वो सीख लेंगे, उनकी सीख मिलेगी और जोर लाएंगे, हरियाणा प्रदेश के लिए देश के मेडल लाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि आज जिस प्रकार से सरकार वाह वाही लूट रही है, यही सरकार अगर उनको पहले प्रोत्साहित करती तो आज हमारे देश का नंबर जो 60वें नंबर पे आया हुआ वर्ल्ड के अंदर, ये पहले नंबर पे भी आ सकता है। देश और प्रदेश की सरकारें खिलाड़ियों को अच्छा बेहतर ग्राउंड दे, अच्छी बेहतर सुविधा दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।